नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रेम की शक्ति में। दोस्तों, स्वास्तिक के विषय में तो आप सब जानते ही हैं। स्वास्तिक को भगवान गणेश का स्वरूप माना जाता है। हर शुभ कार्य की शुरुआत स्वास्तिक से ही होती है। स्वास्तिक बनाते समय हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे जल्द आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले गणेश जी का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक जरूर बनाया जाता है। गणेश जी प्रथम पूज्य देवता हैं, इस कारण पूजा की शुरुआत में स्वास्तिक बनाने की परंपरा है। पूजा की सफलता के लिए स्वास्तिक बनाते समय कुछ बातों को हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। स्वास्तिक कभी भी आड़ा टेढ़ा नहीं बनाना चाहिए। यह चिन्ह एकदम सीधा और सुंदर बनाना चाहिए। ध्यान रखें कि घर में कभी भी उल्टा स्वास्तिक नहीं बनाना चाहिए। किसी खास मनोकामना के लिए मंदिर में उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं। घर में जहां स्वास्तिक बनाना है वह स्थान एकदम साफ और स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए। स्वास्तिक धनात्मक यानी कि सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। दरवाजे पर स्वास्तिक बनाने से घर में नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाती और देवीय शक्तियां आकर्षित होती हैं। दरवाजे पर स्वास्तिक बनाने से वास्तु दोष भी दूर हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए पूजा करते समय हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और शेष मनोकामनाओं के लिए हमें कुमकुम से स्वास्तिक बनाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही और आगे ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रेम की शक्ति से। धन्यवाद।